जिन कार्यों को हम लेकर चल रहे हैं, कितने हम पूरे कर पाएंगे, कितने हमारे सपने रह जाएंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम इन बच्चों की पोत तैयार कर रहे हैं कि ये बच्चे संस्कारित हों और कल को समाज में आके जो कमेटियां हैं उनको रिप्लेस करें और अच्छे जो कार्य आज देख रहे हैं उससे अच्छे कार्य करें। अधिक समय ना लेते हुए मैं आगे की व्यवस्था के लिए आमंत्रित करता हूं अपने महामंत्री अजय कुमार जी जैन से। लेकिन एक अनुरोध आप सभी से, जो भी हमारे इस सदन में हॉल में बैठे हुए हैं, कि हर व्यक्ति आज के शिलान्यास का हिस्सा बने, सहयोगी बने, उसका श्रद्धा आज के शिलान्यास में हो और जो संकल्पित किया गया है कि अगली महावीर जयंती पर इसका लोकार्पण हो इस भवन का, उसके लिए हम तन मन धन से बिल्कुल संकल्पित होके इस कार्य को पूरा करने का आज महाराज श्री के सानिध्य में इस बात का संकल्प लें कि निश्चित रूप से अगली महावीर जयंती पे इसका हम लोकार्पण कराएंगे। और इसकी प्रथम कड़ी के रूप में जो दशलक्षण पर्व हमारा होगा, हम ये प्रयास करेंगे कि दशलक्षण पर्व तक हम कम से कम बेसमेंट तैयार करके, जो हमारा औषधालय अस्थायी रूप से अभी चल रहा है, उस फिजियोथेरेपी सेंटर को हम बेसमेंट में दशलक्षण पर्व से पहले निश्चित रूप से वहां पर प्रारंभ कर दें। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए, समाज के लिए बड़े गौरव का विषय होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा आप सभी से कि कमेटी को ये प्रयास ना करना पड़े कि इसके लिए धन कहां से आएगा। कमेटी केवल ये प्रयास करे ये काम समय से पूरा कैसे होगा। इस काम के लिए कमेटी बिल्कुल तैयार है और उस काम को पूरा करने के लिए अर्थ कहां से आएगा, ये जिम्मेदारी जो सदन में बैठे हुए हैं आप सबकी है। और इसके लिए आप सभी लोगों से पुनः बार बार अनुरोध है कि जो कमेटी है उसके हाथ रुकने नहीं चाहिए और हम इस कार्य को सही समय पर पूर्ण करें। इसी भावना के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए अजय कुमार जी महामंत्री। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष श्री नवीन कुमार जैन जी से, वो अपनी समस्त कमेटी के साथ आए और गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें कि हे गुरुदेव, हम इस संकल्प को पूरा कर पाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। सभी कमेटी के सभी सदस्यगण, पदाधिकारी सभी आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महेंद्र पाल जी जैन से, कृपया आए और बच्चों की नैतिक शिक्षा की किताबों का गुरुदेव के कर कमलों से विमोचन कराएं। विमोचन कराकर आज के नैतिक शिक्षा शिविर का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से और कार्यक्रम में अधिक विलंब ना करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर संत निवास हेतु समाज के गणमान्य व्यक्ति द्वारा विभिन्न सहयोग की घोषणा की गई थी, आज का यह समय जब हम उन्हें सम्मानित कर सकें।
और उनका सम्मान कर खुद को गौरवान्वित महसूस करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा महिला मंडल की अध्यक्षा और मंत्री और उनकी समस्त कमेटी को, कृपया आएं। आपकी ओर से औषधालय एवं संत निवास हेतु एक कक्ष के निर्माण की घोषणा की गई है, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। कृपया शीघ्रता से आएं, बहुत समय कम है। अध्यक्ष मंत्री और उपाध्यक्ष सांस्कृतिक मंत्री कमेटी के जो भी सदस्य हैं उपस्थित हैं अधिकारी पदाधिकारी, कृपया शीघ्रता से आएं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुमन जैन और श्रीमती शशि जैन, कृपया आएं और सभी का तिलक लगाकर स्वागत करें। श्री नीरज जैन, मयंक जैन, जैन बिल्डवेल की ओर से एक कक्ष के निर्माण हेतु घोषणा की गई थी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आएं। श्री नीरज जैन, मयंक जैन, जैन बिल्डवेल, कृपया मंच पर आएं। अध्यक्ष श्री नवीन कुमार जी और कोषाध्यक्ष श्री सुधीर सेन जैन जी से अनुरोध, आपका तिलक लगाकर माल्यार्पण पटका पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक कक्ष की घोषणा। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बने श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती शरणो जैन और उनके सुपुत्र श्री सचिन जैन, श्रीमती गरिमा जैन जी की ओर से की गई थी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर आएं। श्री राजेंद्र कुमार जी सह परिवार, कृपया मंच पर आएं। देखिए शीघ्रता करें, समय काफ़ी कम है, शीघ्रता से आ जाएं सभी लोग। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, सचिन जैन जी आए, सह परिवार आए और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक कक्ष की घोषणा श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी की ओर से की गई थी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए निरंतर आपका सहयोग मिलता रहता है, आप हमारे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सौदर्मिंद्र और सचिन रानी हैं। कृपया मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें, आपका सम्मान करें। मेरा अनुरोध उपाध्यक्ष श्री उदित जैन जी से, कृपया आएं और आनंद जी का तिलक लगाकर सम्मान करें। श्रीमती रेखा जैन, श्री ऋषभ जैन जी की माताजी, आपकी ओर से भी एक कक्ष की घोषणा की गई है, मेरा अनुरोध, कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। श्रीमती रेखा जैन शायद उपस्थित नहीं है, हम उनका पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। इसके अतिरिक्त 1,00,000 रुपए की धनराशि की घोषणा श्रीमान विनय कुमार जी जैन, स्वर्ण गंगा अपार्टमेंट की ओर से की गई थी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक लाख 11,000 रुपए की धनराशि की घोषणा श्रीमान पदम सेन जैन, श्री विजय कुमार जी जैन की ओर से की गई थी, कृपया मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें, शीघ्रता करें। 1,11,000 रुपए की धनराशि की घोषणा बड़ौद जैन समाज द्वारा की गई थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 1,11,000 रुपए की धनराशि श्रीमती अनिता जैन, श्रीमान महेश चंद जी जैन सेक्टर 10 आपकी ओर से की गई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें, श्रीमान महेश चंद जी जैन, श्रीमती अनिता जैन, कृपया शीघ्रता से आएं।
1,11,000 रुपए की धनराशि श्री सतीश चंद जैन ऋषभ ज्वेलर्स की ओर से की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कृपया आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आपका पुनः पुनः धन्यवाद, आभार। 51,000 रुपए की धनराशि की घोषणा श्रीमान आर के जैन सेक्टर 5 की ओर से की गई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती मिथिलेश जैन नोएडा की ओर से 51,000 रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ब्रिजबाला जैन श्रीमान अशोक जैन जी की ओर से 51,000 रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। आपका बहुत बहुत आभार, के पे आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पवन कुमार जैन ऋषभ विहार की ओर से 51,000 रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके अतिरिक्त भी हमें इस मद में 11,000 रुपए की धनराशि श्री सुभाष चंद जैन, 11,000 रुपए की धनराशि श्री आदिश्वर प्रसाद जैन भोलानाथ नगर, 11,000 रुपए की धनराशि श्रीमती रेणु जैन, 21,000 रुपए की धनराशि श्रीमती सुषमा जैन, 11,000 रुपए की धनराशि श्री विशाल जैन श्रीमती नीना जैन सेक्टर 6, 21,000 रुपए की धनराशि श्रीमान संजय जैन श्रीमती नीना जैन और 31,000 रुपए की धनराशि श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी श्री एन के जैन सेक्टर 9 की ओर से प्राप्त हुई है। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो भी उपस्थित हैं वो आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा आदरणीय पंडित अशोक जैन शास्त्री जी से, वो कृपया आएँ और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं और किन किन पात्रों का चयन होना है, पात्रों का चयन कराएं। श्री अशोक कुमार जी जैन पंडित शास्त्री जी बोले। देवाराधे पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक वर्धमान भगवान की, परम पूज करुणार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज की, परम पूज गुरुदेव उपाध्याय श्री नयन सागर महाराज की, धर्मानुरागी बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है, पूज गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद उनकी पावन प्रेरणा से यहाँ पर संत भवन का आज शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए कुछ पात्रों का चयन करना है। ये जो मुख्य शिलाकर्ता हमारे आरक्षित हैं, श्री रामेश्वर प्रसाद जैन परिवार मुख्य शिला आरक्षित हैं। इसके बाद एक जो है भद्रशिला जो होगी उसके लिए एक पात्र की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद जो चार दिशाओं की चार शिलाएं होंगी उसके लिए हमें पात्रों की आवश्यकता है। चार दिशाओं की चार शिलाएं 21,000 रुपए की राशि है। चार दिशाओं की चार शिलाएं आगम ग्रंथ यह कहा करते हैं बंदवर, यदि आपके पास चार मंजिला मकान है, चार कमरों का मकान है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपने किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी धार्मिक स्थल पर एक ईंट का दान किया है। यदि आपने एक ईंट का दान किया है तो आज आपके सर पर छत है। दुनिया में लाखों करोड़ों जीव ऐसे हैं जो फुटपाथ पर ही जिनका जन्म होता है, फुटपाथ से ही 9-2-11 हो जाते हैं। ना जीवन में छत मिलती है, ना जमीन उनके पास होती है, ना तन ढकने के लिए वस्त्र होते हैं, ना पेट भरने के लिए अन्न होता है। यदि आज आपके पास सब कुछ है तो निश्चित मान के चलिए, आगम ग्रंथ कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि निश्चित आपने किसी धार्मिक स्थान पर अपना अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले चार शिलाओं के लिए पात्रों की आवश्यकता है, जिसकी राशि 21,000 रुपये की राशि है।
एक शिला श्री पदम संजैन परिवार की ओर से उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार कलता धोने से उनका अभिनंदन स्वागत। दूसरी शिला श्रीमती कमलेश जैन सुधीर जैन परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दो शिलाएं और हैं, शीघ्रता के साथ अपना नाम दें, हमारे पास समय कम है, क्रियाएं बहुत हैं, वहां पर समय हो रहा है, शिलान्यास का समय भी है और पूज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन जो यहाँ वसुंधराज जैन पंचकणा के हमारे सोदर में रहे हैं और कांदला में पंचकणा किया था, वहाँ के भी सोदर में रहे, दो दो दार सोदर मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान अनिल कुमार जी जैन। और चौथी शिला श्रीमान उदित कुमार जी जैन को सौभाग्य, एक चारों शिलाएं हो चुके हैं, जोरदार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन स्वागत। उसके बाद यहाँ पे एक पैरामिड अष्ट धातु से, शुद्ध अष्ट धातु से बना हुआ एक पैरामिड स्वास्थ्य के यंत्र, वास्तु यंत्र वहां पर विराजमान किया जाएगा, बिल्कुल शुद्ध अष्ट धातु से बना हुआ है, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा शुद्ध धातु से बनवाया गया है। हाँ, उसकी राशि 21,000 रुपए की राशि है। उसके श्रीमती अनिता जैन, श्रीमान महेश संजन अनिता जैन को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो एक मुख्य यंत्र हुआ करता है जिसको कहते हैं अचल यंत्र, मातृका यंत्र, उसको विराजमान करने का सौभाग्य। अचल यंत्र मातृका यंत्र हर क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में ये यंत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, समस्त बीयाक्षरों से समन्वित यंत्र मातृका यंत्र को विराजमान करने का सौभाग्य किस परिवार को प्राप्त होगा, इसके लिए एक पात्र चाहिए। 11,000 रुपए की राशि है इसकी, 11,000 रुपए की राशि है। मुख्य यंत्र है ये, इस बिना यंत्र के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। हाँ जी, 11,000 रुपए की राशि, शीघ्रता के साथ अपना नाम दें। हाँ जी, श्रीमान बीबी जैन साहब, श्रीमान बीबी जैन साहब को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एक नाग नागिनी का जोड़ा, ये वैष्णव परंपरा भी इस बात को मानती है, जैन परंपरा तो मानती ही है कि नाग कुमार जाति के देवताओं का स्थान भूलोक में है, पृथ्वी के नीचे है, खर भाग में उनका स्थान है और उन्हें नाग देवताओं को स्थापना करने के लिए चांदी के नाग नागिन है, शुद्ध चांदी के नाग नागिन स्थापना करने का सौभाग्य किस परिवार को प्राप्त होगा। 11,000 रुपए की राशि है, नाग नागिन धर्णेन्द्र परमावती जैसे कहा जाता है, श्रीमान महेंद्र पाल जी जैन, श्रीमान महेंद्र पाल जी जैन ये सौभाग्य उनको दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास चार पात्र हैं चांदी के, शुद्ध चांदी के, ये पात्र क्रियाएं होगी इन पात्रों के माध्यम से, एक कुदाली है, एक फावड़ा, एक तसला और एक करनी, ये चार पात्रों से आप वहां पर क्रियाएं कराई जाएंगी आपसे, क्रिया के बाद ये पात्र आपको वापस प्रदान कर दिए जाएंगे, ये स्मृति स्वरूप ये पात्र आपको दी, बाकी जो चीज वहीं विराजमान होगी अभी तक जिनकी निर्धारित किया गया, लेकिन ये पात्र आपको वहां क्रिया के माध्यम से आपको वहीं वापस प्रदान कर दिए जाएंगे। एक एक पात्र की राशि 21,000 रुपए की राशि है, 21,000 रुपए। एक लाला सुरेंद्र कुमार जी जैन, सबसे पहले एक कुदाली, जमीन को खोदा जाएगा कुदाली के माध्यम से, जमीन को खोदने की क्रिया होगी लाला सुरेंद्र कुमार जी जैन सपना गारमेंट्स वालों को, एक कुदाली। उसके बाद फावड़ा, श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन फावड़ा, नाम लिखते जाओ। हाँ जी, उसके बाद तसला, हाँ तसला जो अध्यक्ष महोदय नवीन कुमार जी जैन, और करणी जो है हमारे महामंत्री जी अजय कुमार जी जैन। इस प्रकार से इन पात्रों का, इसके बाद पांच कलश वहाँ पर दीपक के साथ, हम दीपक की अलग बोली नहीं लगा रहे हैं, दीपक मैं कलश के, मैं दीपक के कलश विराजमान करेंगे, पांच कलश तांबे के जिसके अंदर नवरत्न डाले गए हैं, हल्दी सुपारी मांगलिक द्रव्य उसके अंदर विराजमान किया गया, ऐसे पांच कलश विराजमान करने के लिए 11,000 रुपए की राशि है, पांच पात्र चाहिए 11,000 रुपए। एक श्रीमान सुरेश चंद जी जैन,
एक कलश भी इनका है, इनका गैती भी है और कलश भी है, 11,000 रुपये की राशि है। महिलाएं बोली ले सकती हैं, महिलाएं ये काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सारे कलश महिलाएं लेकर चलती हैं हर शुभ काम में जी, तो महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। श्रीमान आनंद कुमार जी जैन, एक कलश, दो कलश हो चुके, तीन और चाहिए। शीघ्रता के साथ नाम दें, शीघ्रता के साथ नाम दीजिए, उसके बाद महाराज जी का मंगल आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होना है। हाँ जी, तीन नाम और चाहिए शीघ्रता के साथ। बच्चों आवाज कम करो, तीन नाम और। एक उधर से नाम आया, देखो जी, श्रीमान श्रेयांश कुमार जी जैन, माता जी वही है, एक ही परिवार से है, ठीक है। श्रेयांश कुमार जी जैन, दो नाम और शीघ्रता के साथ नाम दीजिए। श्रीमान हंस कुमार जी जैन, मयंक जैन है, हंस कुमार जैन मयंक जैन परिवार की ओर से एक कलश और, मात्र एक कलश और, एक कलश और शीघ्रता के साथ नाम दें। हाँ जी, एक कलश और लास्ट, एक कलश रह गया है, एक कलश रह गया है, शीघ्रता के साथ नाम दें कोई भी अपना। हाँ जी, देखो देखो शीघ्रता के साथ नाम। एक कलश और, कोई भी महिला पुरुष अपना नाम दे सकता है, कोई भी महिला पुरुष अपना। एक कलश 11,000 रुपये की राशि है, एक कलश और विराजमान करना है। शीघ्रता के साथ नाम दीजिए। जाओ भाई, कभी कभी सकल को देख के ना दान होता है जी। महावीर स्वामी की परम श्रद्धे गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 उपाध्याय श्री नयन सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। सज्जनों, दान परंपरा में अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जीवन की सुरक्षा, प्राणों की रक्षा, आहार देने का सौभाग्य तभी मिलेगा जब प्राण सुरक्षित है। औषधि दान देने का सौभाग्य भी तभी मिलेगा जब प्राण सुरक्षित है, और शास्त्र दान करने का लाभ भी तभी मिलेगा जब जीवन है। इसीलिए दानों में अभय दान सर्वश्रेष्ठ दान है। और आज जो कार्य दिगंबर जैन समाज वसुंधरा और मंदिर समिति जो करने जा रही हैं, वो कार्य अभय दान का कार्य है। वसतिका का निर्माण करना, साधुओं के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए वसतिका का दान देना, भवन बनाना, अतिथि भवन बनाना, संत भवन बनाना, ये सब अभय दान के अंतर्गत है। और जो अभय दान देता है वो सभी प्रकार के दान देता है ऑटोमेटिकली। और इस भवन में जो निर्मित होने जा रहा है, बैक साइड में इधर ही है ना, उसके माध्यम से यहां औषधि दान के लिए, अपितु औषधि दान, आप जनरल 1,000 लोगों को औषधि का दान दे दो और एक दिगंबर साधु को औषधि का दान दो, दोनों में दिगंबर साधु को औषधि का दान देना ज्यादा पुण्य का कारण है। संख्या की अपेक्षा पब्लिक के हैं, लेकिन धर्म की दृष्टिकोण से, सम्यक दर्शन आस्था की दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ इस संत भवन में औषधालय भी चलेगा, साधुओं की आहारचर्या भी होगी, साधुओं का प्रवास भी होगा, साधु जब यहाँ रहेंगे तो स्वाध्याय भी करेंगे। तो एक तरह से आप ये मान करके चलो कि यहाँ चारों प्रकार के दान स्वयमेव होने लगेंगे। अभय दान आप कर ही रहे हैं, भवन का निर्माण करना अभय दान में आता है, वहां हार होगा आहार दान हो गया, वहां औषधालय चलेगा औषधि दान हो गया,
और वहाँ पर साधु अपना स्वाध्याय करेंगे, अपनी साधना करेंगे, ये शास्त्र दान हो गया। तो आपके द्वारा निर्मित ये भवन चारों प्रकार के दान का निमित्त बनेगा, कारण बनेगा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले माह अप्रैल महीने में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आप लोगों को ये प्रेरणा दी थी मैंने कि परमात्मा तो विराजमान हो गए, शास्त्र विराजमान हो गए, गुरु कहाँ विराजमान होंगे। वो तो सुरेश चंद जी जैसे लोग हमारे बीच हैं, सामने उनका भवन बना हुआ है। स्वयमेव मुझसे कहने लगे कि यहाँ साधुओं का प्रवास हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है और आगे भी यहाँ साधुओं का प्रवास होता रहेगा। अर्थात उनकी स्वयं भावना थी कि वसुंधरा जैन मंदिर कमेटी समाज जब भी किसी साधु को यहाँ लाए तो उनके वह प्रवास हो और दिगंबर साधु की दिनचर्या, उनकी उपस्थिति का लाभ समाज को मिले। जब इसके शिलान्यास की, इसकी तोड़ने की बात आई तो मैंने सुरेश चंद जी से कहा, तो देखिए उनका बड़प्पन है। उन्होंने कहा कि मैंने तो क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम अगले महावीर जयंती तक तैयार कर देंगे, तो मैंने कहा था कि आप एक साल के लिए इसको बेचना मत, जिसमें अभी मैं प्रवास कर रहा हूँ, बेचना मत। तो उन्होंने कहा कि एक साल नहीं, जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, कुछ सोचूंगा ही नहीं मैं इसके। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर ये न बना होता या सुरेश चंद जी जैन समाज के व्यक्तित्व न होते या उनके हाथ में न होता, तो आज ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि अगले साल तक हम साधुओं के लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने इस समस्या का समाधान कर दिया, उनका बड़ा योगदान है, आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। जैन समाज वसुंधरा उनका अभिवादन कर चुका है, करता रहेगा। ये बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते हैं और जैसा कि समिति इस बात से दृढ़ संकल्पित है कि उन्हें जो अगला भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2018 का आएगा, उनका टारगेट है कि वो इस भवन का निर्माण नहीं लोकार्पण कर देंगे। और जब मुझे ऐसा लगा तो इसीलिए मैंने पिछले दिनों में कहा कि इसको पहले तोड़ो ये, और शायद कौन से तारीख को तोड़ा था, 27 अप्रैल, 27 अप्रैल को मैंने सब लोगों को जब आदेश दिया, तुरंत उन्होंने जिस व्यवस्था से भी तोड़ा जा सकता उसे तोड़ा, तुरंत मेरे पास आए कि हमें शिलान्यास भी करना है। मुझे भी सानिध्य के लिए कहा, मैंने कहा बिल्कुल आप जो कार्य करने जा रहे हैं मैं निश्चित पूर्ण प्रयास करूंगा और 21 तारीख निश्चित हुई और आज 21 तारीख हमारे सामने है और उसका आज शिलान्यास होने जा रहा है। ये दिगंबर जैन समाज वसुंधरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है कि ये मंदिर एक पूर्ण मंदिर बनने जा रहा है, जहाँ भगवान जिनालय के रूप में 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएँ विराजमान हैं, एक बहुत सुंदर हॉल नीचे बन गया है, एक बहुत सुंदर संत भवन, अभी मैं उसका सारा प्रारूप देख रहा था, उसका मॉडल देख रहा था, उसका डिज़ाइन जब वो बन करके आएगा तो वास्तव में जो छोटी मोटी कमियां हमें महसूस होती हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, अतिथि कहाँ रुकेंगे, वो सब उसके बन के आ जाने के बाद ये सब हो जाएगा। मैं पुनः दिगंबर जैन समाज वसुंधरा को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मंदिर कमेटी जिस उत्साह से कार्य कर रही हैं, आप लोगों के कारण ही कर पा रही हैं, आप लोग उत्साह का वर्धन कर रहे हैं, क्योंकि दूध मीठा तभी होता है जब दूध में नमक डाला जाता है। कब होता है पता है आपको, दूध मीठा कब होता है? अरे बोलो ना, चीनी डाली जाती, चीनी डालने का काम आप लोगों ने किया, दूध भी आपका चीनी भी आपका, ये तो केवल गर्म करके आपको पिला रहे बस ये, क्योंकि आप समझते इशारों में सब समझ जाना चाहिए इस बात को। आप लोगों के द्वारा दिया गया द्रव्य अदर दान स्वरूप नहीं आएगा तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। मंदिर पूरा हुआ आप लोगों के कारण पूरा हुआ है, करने वाला निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है लेकिन करवाने वाला उससे ज्यादा सौभाग्यशाली है, करते हुए कार्य में दान देने वाले मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली। और बात यह नहीं है, बात यह नहीं कि किसी ने लाखों दिए हो, हजारों दिए हो, बात यह नहीं है,
श्रद्धा से अपने जैन दर्शन में तो एक बात है, किसी ने रत्न चढ़ाए, किसी ने हीरे चढ़ाए, किसी ने जवाहरात चढ़ाए और किसी ने गेहूं के दाने चढ़ा दिए, तो गेहूं के दानों में भी वो चमक थी जो चमक रत्नों में थी। क्या तो बात श्रद्धा की भावना की है। इसलिए वसुंधरा जैन समाज का कोई परिवार बाकी नहीं रहना चाहिए कि जिसके द्वारा वहां पर शिलान्यास में शिलाएं रखी न गई हो, योगदान न दिया गया हो, अपना योगदान देके इस कार्य को पूरा करें। क्योंकि क्या है, ये कार्य बड़े मुहूर्त से होते हैं और हमारे पास अभी मात्र 10 मिनट का समय है और हमें 10 मिनट में ये कार्य आगे पूरा करना है। इसीलिए थोड़ा सा आपको मंगल आशीर्वाद स्वरूप मैंने आपको ये आशीर्वाद दिया है। आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ और कमेटी को, जैसा कि वो टारगेट में है, उनका लक्ष्य है कि सितंबर तक बेसमेंट तैयार हो जाए, भगवान महावीर जयंती जन्म कल्याणक महोत्सव का समय जो 2018 के अप्रैल माह में, मार्च अप्रैल में जो भी आएगा, तब तक उनका टारगेट है कि भवन का लोकार्पण भी हो जाए। और इस कार्य के लिए मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि जैन समाज वसुंधरा इस कार्य को किंचित पल भर के लिए भी बंद नहीं होने देगा और ये कार्य बंद नहीं होगा। ये कार्य तभी बंद होगा जब इसका पूरा लोकार्पण हो जाएगा, तब पूर्ण होगा। आप सब लोग इस कार्य में अपना योगदान दे के करें। बोलिए विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। ये छोटी छोटी शिलाएँ हैं, आप अपने हर परिवार की तरफ से एक एक शिला आप उस शिलान्यास में रख करके इस कार्य को पूर्ण करें। बोलिए महावीर भगवान की। चलिए, कार्यक्रम में किसी का बोलना उचित नहीं है, फिर भी महाराज श्री से अनुमति चाहता हूँ, महाराज श्री से अनुमति चाहता हूँ कि आपके मंगल प्रवचन के बाद मंच की व्यवस्था पे कोई बोले उचित नहीं है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं हमारे वैशाली जैन समाज के अध्यक्ष और समग्र जैन समाज के महामंत्री महिम जी हमारे बीच हैं, यह अवसर है हमारे भवन के शिलान्यास का। और हमारी जैसी ही शैली हमारे पड़ोसी वैशाली समाज के महिम जी की है कि सोचते हैं और कर देते हैं। कुछ ये हमसे सीख लेते हैं, कुछ हम इनसे सीख लेते हैं। इस अवसर पे हमारे बीच हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द अवश्य हमारे समाज को दें। हम लोग के लक्ष्य अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है, रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो ध्येय है वो एक है। और जब से ये मेरे महामंत्री और मैं इनका अध्यक्ष बना हूँ समग्र जैन समाज गाजियाबाद का, तो हम लोगों की केमिस्ट्री कुछ कुछ मैच करने लगी है। कुछ मैं इनकी तरफ झुका हूँ, कुछ ये मेरी तरफ झुके हैं। महिम जी, जब गुरुवर उपाध्याय नयन सागर जी महाराज किसी भी कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं तो वो कार्यक्रम इतना विशाल बनता चला जाता है। इसकी जो रूपरेखा है वो हमने वैशाली से देखी और धीरे धीरे वसुंधरा में भी देखने को मिली। महाराज श्री के हाथों जिस चीज का शिलान्यास हो जाता है उसका संपूर्ण होना भी निश्चित है। नवीन जी ने कहा कि इनके रास्ते कुछ अलग हैं, हमारे रास्ते कुछ अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। महाराज श्री कह रहे हैं जो सड़क वाले रास्ते हैं वो अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। आपका उद्देश्य भी समाज के प्रति जो आपकी निष्ठा है, आपकी समिति की जो निष्ठा है, वही निष्ठा हमारी वैशाली की है। और उस निष्ठा को बनाने में जिस संत का योगदान है उनका नाम है उपाध्याय नयन सागर जी महाराज। जय जय। संत तो बहुत आते हैं और हम हर संत को नमस्तु भी करते हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाले संत बहुत कम आते हैं। और प्रेरणा को संपूर्ण करने वाले संत नयन सागर जी महाराज जैसे होते हैं।
वैशाली जैन समाज में शिखर का निर्माण, वैशाली जैन समाज में आज 16 कमरों की धर्मशाला का निर्माण, वैशाली जैन समाज के अंदर वेदियों का निर्माण, और सबसे बड़ी बात कि मैं आपके सम्मुख थोड़ा लेट हुआ क्योंकि नवीन जी हमारे समग्र जैन समाज के अध्यक्ष हैं और मैं उनको बिल्कुल भाई तुल्य मानता हूं। उन्होंने मुझे सवेरे 8:30 बजे आने का निर्देश दिया था, लेकिन मैं क्या करूं कि जब संत 4-4.5 किलोमीटर की रेंज में होते हैं तो जरूरी नहीं है कि बारिश यहां हो तो छींटे वैशाली में नहीं पड़े। आज 6 महीने के इंतजार के बाद रात को 1:30 बजे ट्रक वाले का फोन आता है कि जी आपका मानस्तंभ लिए राजस्थान बॉर्डर पे खड़ा, जिसका ऑर्डर हमने परसों कैंसिल कर दिया था। सुबेरे 4:30 बजे जयपुर से फोन आता है कि जी आपके इंद्र और जितने भी मानस्तंभ पे लगने हैं उनका ट्रक लेके गुड़गावा बॉर्डर पे खड़ा हो, तो दोनों को लेने के लिए वहां जाना पड़ा और वो आप तालियों से उसका स्वागत करिए कि दोनों ट्रक वैशाली जैन समाज के बाहर जैन मंदिर पे खड़े। तो हमारे लिए तो उपाध्याय श्री का जो आशीर्वाद वैशाली वालों को मिला है, जो वसुंधरा को मिला है, जो ऋषभ देश पैराडाइज को मिला है, कुछ ऐसे समाज अभी रह गए हैं जिनको उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह भी ढूंढेंगे और वहां पर भी कोशिश करेंगे आशीर्वाद मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ एक जयकारा लगा के, और चाहूंगा दोनों हाथ ऊपर करके आप जयकारा लगाएं, जयकारा गुरुदेव का। सुबह 5:15 बजे वसुंधरा से, नवीन जी आपकी इजाजत के बिना कह रहा हूं, 5:15 बजे उपाध्याय श्री का विहार वसुंधरा जैन समाज से वैशाली के लिए होगा। आप लोगों से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विहार करा के वैशाली तक छोड़ेंगे, क्योंकि एक ये परंपरा रही है कि संत जहां विराजमान हो अगले डेस्टिनेशन तक बिना बैंड बाजे के, क्योंकि बैंड में सिर्फ आदमी बैंड के नजर आते हैं, समाज का आदमी जरूर होना चाहिए, निवेदन है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महिम जी, और आदेश और अनुमति महाराज श्री की है। मैं आमंत्रित करता हूँ पवन कुमार जैन को कि इस अवसर पर अपनी कुछ भावना हमारे बीच रखें। पवन कुमार जैन, KW60 200 बोल दी जाइए। अरे आइए, तो आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए। अरे आइए पवन जी, आ जाइए। पवन जी से मेरी चर्चा हुई पीछे भवन के बारे में, और पवन जी ने ये कहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं इस कार्य के लिए उनकी शुभकामनाएं हैं, और जो भी योग्य कार्य समिति उनके लिए निश्चित करेगी वह उस कार्य में अपना पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। एक बार ये बड़े लोगों की निशानी होती है कि वो मुंह से नहीं कहते हैं, केवल इशारा करते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, और जो भी आप मेरे योग्य बताएंगे उस कार्य को मैं अपने द्वारा निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। एक बार जोरदार ताली से पवन जी का स्वागत सम्मान, और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित जी से कि पंडित जी आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं कैसे कैसे कार्यक्रम को हमें लेकर चलना है। पंडित जी पहुँच गए, सभी से अनुरोध है कि सभी जो शिलाएँ हैं, रजत शिला, स्वर्ण शिला, हीरक शिला और रत्न शिला, जी जी वहाँ भी चल रहा है, हाँ शिलाएँ वहाँ पर शिलान्यास के बाहर टेबल लगी हुई है, सभी शिलाएँ वहाँ प्रदर्शित होंगी, और जैसी जैसी जिसकी भावनाएं हैं वो शिला लेके, और महाराज श्री ने कहा है कि सब लोग इस हॉल से नियम लाइए।
भाई
हेलो हेलो अंकल जी हेलो भाई सुन आ रही आवाज बोलो हाँ ये लो आई नहीं आ रही अरे फोन परवीन के हाथ में कैसा पता नहीं आइए आइए हेलो आप कैसे पीछे रहेंगे हेलो हेलो रितिका अपने फावड़ा चलाया मसाला मैं भी लगाऊंगी आलो आलो इसला वालों को बुलाऊंगी बड़ी ये बड़ी वाली इसला किसकी बुलाऊं हां उन्हें वही है मैन मैन सलान्यास का अच्छा यदि अरे मैं आ जाता हूं बड़ा वाले इसला तो रख के उनको बुलाओ एक सुना आप आ जाओ आप पीछे ना बलिष्ठ बड़े नहीं बलिष्ठ बलिष्ठ सही बात अरे अजय अजय किस पर तेरे भाई इसके ऊपर ठीक है बोलो हमारे पीछे हां अभी इतना ही लग रहा है नहीं यहां सिला रखी जाएगी पहले सिलाओ सिलाओ कमेटी वाले सब आ जाओ इस पे लो जी हां कैमरा बीच में आ रहा है पीछे हो जाओ रहने दो जरा ये भी ऊपर देखो ऊपर ओ मरा मरे आंटी जी चलो कोई हां पीली सरसों अरे अच्छा नीचे भाग यार डर लग रहा है यहाँ से लो जी बड़ी जी भैया आप रखे हो जाओ ना भैया से रखवा लो ना चलो अपना मकान दुनिया बनाती है अंदर कोई नहीं बनाता आप टैक्सी जल्दी आओ अपना मकान भी बनाओगे आपको लेट इतने लेट होगा मकान ना बना पाओ ऐसा है ना यहाँ देखो पाठक जी ऊपर देख लगाते हुए देखेंगे ये रखो खींच ली चलो जब आगे आओ यार खाम खाना अरे पाठक जी आ जाओ फिर मैं जाऊँ नहीं तो हाँ भाई रितिका फोटो खींच गई उस साइड आ जाए उस तरह अरे भाई साहब ये दे जाओ थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा ले लें रितिका आंटी लगाओ अरे अजय भैया अरे रितिका खड़ी है इससे लगवा दो पहले फोटो खींचो ये तो खड़ी तरह ये वाली चलो चलो लगाओ 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 ये वाली उधर रखो लगाओ हाँ चेहरा यहाँ देखो अब उधर सिला रखते हुए देखो तो हाथ अरे इस सिला पे हाथ देखो अरे नहीं खींच रही भाई
नहीं आया वीडियो नहीं आया और जैन साहब कैसे हैं बढ़िया 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 ये बहन जी बुलाओ भाई बहन जी के लिए नहीं नहीं बुलाओ मेरे बहन जी आई आई बहन जी बुलाओ हमारा जो है आप सब लोगों को पूरा मंदिर घुमाइए ऊपर तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है भैया अच्छा जी हां राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सच तेरा में रहते हैं जी अच्छा 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 हमारे कार्यालय के बड़े बाबू हैं हमारे घर में लगा हुआ है अच्छा 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 हमारा एक्शन तो परेशान इसी बात होता है ना कि सारे जो सामाजिक कार्यक्रम सारे जुड़े हैं सारे सारे मेरी डिवीजन में आ गए अच्छा